एक मैं यूट्यूब चैनल, तो आ जाऊंगी ऊपर, मतलब बरसात के मौसम में कोई ऊपर घूमता है, लेकिन संजना की वजह से ऊपर आई हूँ। संजना का मन था कि ऊपर चलेंगे, ऊपर चलो टहलने चलते थोड़ी देर के लिए, बारिश बिल्कुल थम ही नहीं रही थी, तो मतलब अभी थोड़ी देर के लिए बनती तो ऊपर लेके आई, तो हम लोग आए और श्री इतनी सतानी ऊपर कर रहा है, तो श्री और देखो ये हो रहा है प्यार, लाड प्यार। भतीजी, भतीजे और बुआ का लाड प्यार। तो अभी खाना कुछ भी डिसाइड नहीं किया और शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मतलब दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया आज पूरा दिन का, तो अभी शूट किया है, मतलब पूरे दिन का कुछ शूट ही नहीं कर पाया आज हम। भी डिसाइड नहीं किया शाम का क्या बनेगा, आज ब्लॉगिंग भी शाम से स्टार्ट की, मॉर्निंग से कुछ भी नहीं शूट किया था। और इस टाइम पता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके पर डे ब्लॉग दे रही हूँ इस टाइम, मतलब जो कुछ भी मेरे घर पर रूटीन वगैरह जैसा होता है, मैं आपको पर डे मतलब कितनी मेहनत कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ, किस तरीके से मैं डेली शूट करके डेली एडिटिंग करके एक ब्लॉग डालती हूँ, बहुत मेहनत लगती है यार एक ब्लॉग बनाने में, तो लेकिन मेहनत जारी है। बट एक हाउस वाइफ मतलब होते हुए बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी देखना, उसका ब्लॉग डालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाला काम है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सब मतलब डालने की, और कोशिश जारी भी है। बट हाँ किसी किसी दिन अगर हो जाता है मिस तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हो जाएगा, मुझे पता है कि मैं कोशिश करती रहूँगी, बट किसी ना किसी दिन तो मिस होगा ही। और इधर मम्मी बात कर रही है टहल टहल के, हम सभी लोग आते हैं, मतलब जहाँ जाते हैं हम पूरी टोली जाती है मेरी पूरी, तो हम सभी लोग आए थे घूमने, अभी देखते हैं क्या खाना पीना बनेगा शाम को, जाएंगे नीचे, तासु ट्यूशन पढ़ रही है अपनी और कल इनके प्रिपरेशन लीव है, मतलब छुट्टी कल पड़ेगी। भीग गए ऊपर आ, क्या फायदा हुआ बस, जब भी कभी मूड बना कि हाँ चलो थोड़ी देर बैठेंगे, आराम मिलेगी थोड़ी देर, मतलब अकेले में बैठेंगे, लेकिन ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है बच्चों के होते हुए। और फिर श्रेय मतलब जहाँ जाओ वहाँ जाएगा जरूर, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बस नीचे जस्ट आना पड़ा, और उसके बाद आ गए थे इनके पापा, तो उनको लगी थी भूख, तो मतलब टाइम हो रहा था खाना बनाने का, आई थिंक 7 बज गया था, 6:30-7 का टाइम हो रहा था, लेकिन फिर मैंने मतलब मेरा मूड थोड़ा सा घूम रहा था, मैं लेके आई थी गोभी की सब्ज़ी, फूल गोभी की, तो बनाने मम्मी ने मतलब यही बताया था कि सब्ज़ी बना लो किसी की भी आप, तो मैंने फिर यहाँ पे गोभी थोड़ी सी बॉइल्ड की, मतलब हल्की सी ही, बस सीटी वगैरह नहीं लगाई, बस ऐसे ही गर्म पानी में डाल दी थी, और उसके बाद यहाँ पे बेसन मतलब निकाल के लाई थी, बेसन में सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे। और मैं क्या बनाने जा रही हूँ इधर, मतलब हमारी फूल गोभी भी है ना वो अच्छे तरीके से थोड़ी सी बॉइल्ड हो गई, इधर मैंने चाय बनने रख दी है और इधर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे ना कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये मैं मतलब जल्दी वाला कुछ बनाने जा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि इनको भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, तो सोचा था थोड़ा सा कुछ टाइम मतलब बचा के जल्दी से कुछ बना के इनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े का बैटर मतलब रेडी कर लिया था, गोभी के पकौड़े जो कि इनको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं भी मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं तो मैं मतलब प्याज के पकौड़े खाऊँगी, बच्चे आलू के खाएँगे, और इनको गोभी के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने मतलब वही किया, मतलब इनके लिए गोभी के पकौड़े फटाफट से रेडी करना स्टार्ट कर दिया कि मैं इनको दे देती हूँ। लेकिन फिर इनका क्या था ना कि आप मुझे पकौड़े दे रहे हो फिर मेरा खाना जाएगा रात के 10 बजे के बाद, तो मैंने कहा चलो ठीक है जब भी खाना तो मैं बना के रख दूँगी, आप मतलब उस टाइम खा लेना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से गोभी के पकौड़े रेडी करने लगी थी, और बच्चों के लिए मैंने एक आलू भी कट कर लिया था, क्योंकि जब मैं इनको बना के दूँगी तो बच्चे तो नहीं मानने वाले ना, फिर होता भी यही है कि बच्चों को फर्स्ट दो फिर बाद में मम्मी पापा खाएँ, तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने आलू के पकौड़े भी मतलब इसमें डाल दिए थे तेल में, जिससे कि पहले गोभी वाले रेडी हो तो उससे पहले आलू वाली रेडी हो जाए। तो मैं इस ट्रिक से मतलब गोभी के पकौड़े बनाती हूँ, और मुझे नहीं पता कि मतलब किस किस ट्रिक से बनते हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब कुक नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचती कि मैं इतना अच्छा खाना बना पाती हूँ अपने मतलब माइंड से कि हाँ मैं कुछ भी मतलब कुकिंग वगैरह शेयर करूँ, मैं जैसे ही बना पाती हूँ टूटी फूटी बस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे गोभी के पकौड़े रेडी हो गए, फिर मैंने इनको कट किया था मतलब बीच से, जैसे मतलब हलवाई टाइप्स होते हैं ना कि बीच से कट करके फिर से भूनते हैं ना, तो वो मतलब दो तरीके से बनाया था ना, वो वाले खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मतलब अच्छे भी वही वाले लग रहे थे। पहले तो मैंने ऐसे ही निकाल के दे दिए, फिर उसके बाद मैंने कट करके फिर इनको मतलब ऐसे करके ये है ना 4 टुकड़े में ना ये इसको मतलब कट करके फिर से भुना, तो ये ज़्यादा खाने में अच्छे लग रहे थे, बेटर लग रहे थे, और ऐसे मतलब खाने में क्रिस्पी भी बहुत हो रखे थे।
और उसके बाद मतलब ऊपर से संजना और मम्मी को बुला के उन लोगों को भी मतलब खिला दिया। बस जैसे मतलब कोई प्लान नहीं था कुछ पकौड़े बनाने का, बट ऐसे ही जल्दबाजी में मैंने ही बना दिया गोभी के पकौड़े। जैसे मतलब थोड़े बहुत तो सबको मतलब मम्मी को बुला के और संजना को बुला के सभी को खिला दिए थे। और इसके बाद मतलब खाना भी बनना था, ये भी दिमाग में चल रहा था कि मतलब खाने में क्या बनेगा। सबसे ज़्यादा तो यही टेंशन होती है कि मतलब कुछ मतलब नाश्ता वगैरह खा लो फिर खाने में क्या बना। मतलब आप कुछ भी हैवी बनाते हो तो वो तो रखा ही रहेगा, कुछ लाइट बनाते हो क्या बनना है। मतलब ये मैंने मम्मी को उससे पूछा था, तो मम्मी बोली आप डिसाइड करो क्या बनेगा। तो यहाँ पर मतलब ये लास्ट के ही पकौड़े रह गए थे जो जिसको मैं कट करके बस ऐसे ही भून रही थी। उसके बाद सारे इतने सारे बर्तन आते, मतलब पकौड़े चाहे आप थोड़े बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा वाले बर्तन से पूरी भर गई थी बर्तनों से। तो मैंने आप सारे बर्तन क्लीन कर लिए और किचन का काउंटर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वो संजना ने फटाफट से सारा क्लीन कर दिया था। अब मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, अब डिसाइड करना था कि खाना क्या बनेगा। तो बस मेरे दिमाग में यही घूम रहा, तो मैंने डिसाइड कर लिया था अंदर अंदर सोच के कि या तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, एक ऑप्शन था खिचड़ी का, एंड सेकंड ऑप्शन था कि दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि सभी को फैमिली में दाल चावल भी सबको बहुत पसंद है, सभी लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल मतलब निकाल के संजना साफ़ करने लगी थी और मैंने दाल निकाल के मतलब बनने रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी बातें बातें हो रही थी क्योंकि भूख तो मतलब उस तरीके से किसी को नहीं लगी थी। तो यहाँ पे सिर्फ दाल चावल ही बनने हैं और टाइम मतलब 8 बज गया था, ये मतलब काम करते करते 8 बज गया था। और इतने सारे बर्तन थे वो सारे धुल के लग गए, यहाँ पे किचन भी पूरी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, सारा कुछ हो गया इधर का। अब खाना रह गया है, मतलब खाना बनाने के बाद अभी फिर से यही गंदगी होगी, यही बर्तन होंगे, सारा कुछ अभी होना बाकी है। लगा के दिखा बुआ को, लगा के दिखा बुआ को, लगा के दिखा, मुझे अरे डर जाओ भैया, डर जाओ, ये तो हुआ रहा नहीं मंकी है। क्या फैला रखा तुमने, क्या क्या है सबको सब बता दो, क्या क्या बनाया। लोड लोड है और लोड जी लोड है, जे जे लोड जे फोर वे जीटी लोड जीटी लोड रखे हैं जे। और मेरा कवर रखा है और आपकी पकन चक्की, क्या पकन चक्की जी, पकन चक्की। और उधर क्या बना है, उधर ये क्या है, ये क्या बना है, मेकन वाला है जी। क्या है, क्या है भैया, नहीं बता दो आप पहले, बता ये क्या है ये। अच्छा जो गेट की पर एक बना हुआ रखी है, गंदक की दाने 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 कहाँ पे गंदा रखी है, अकेले खेल लेते हो। जेड सिक्योरिटी वो कौन बैठा है, एक आइस वाला वो तो है टेडी बेयर, वो तो टेडी बेयर। और ये क्या है शेर बाबू, वो उधर क्या बना रखा है, वो तो मेरा सामान। क्या है वो, क्या है वो, बना मेरा क्या जल्दी करो जाके, ये छोड़ो सब कुछ, अम्मा का मेकन करो जाके जल्दी से। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है, मेरा कमाल है ना जी, जी खुद जी। ये कौन बैठा है जी, रोबोट। रोबोट क्या करता है आपका जी, जी खुद अब सो गए कहाँ पे लेट के, यहाँ पे। तो इनका तो मतलब अकेले में खेल हो रहा था, तो आज मैंने इनकी रियल वॉइस डाली,
तो मतलब यही खेल हम लोग देखते रहते हैं दिन भर, और बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना इनका। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट।